इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कैलाश विजयवर्गीय जी। सर, जो उम्मीद थी बंगाल से वैसा रिजल्ट आता नजर आ रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया, यही उम्मीद थी हमें। और सर, मध्य प्रदेश में तो सुपड़ा साफ हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक सीट कमलनाथ जी के बेटे वाली बाकी रह गई, तो सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। सर, वहाँ भी टफ कॉम्पिटिशन चल रहा है लेकिन। हाँ, मतलब हमने लगता है ऐसा कि हमारा ध्यान उधर फोकस नहीं हुआ, तो वो सीट भी जीत जाती। और सर, करीबन 350 के आसपास क्या आंकड़ा पहुंचने वाला है सर? हाँ, 343 हो गया है, लगता है कि इसके आसपास ही होगा, 350 के आसपास। और सर, लगातार विपक्ष ईवीएम का नाम लेती रही है और बात करती रही है, और अभी दोबारा ईवीएम से ही मुद्दा उठा रही हूँ। अब देखिए, हारने के बाद ठीकरा किसके सिर पर फोड़े, तो मशीन है बेचारी, वो बोल तो सकती नहीं कुछ, इसलिए उसके खिलाफ बोल रहे हैं। सच था कि ये विपक्ष को डर था राहुल गांधी अमेठी से हार जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट जो आ रहे वैसी, इसीलिए तो वो दूसरी जगह गए, वायनाड जाते ही नहीं। तो सर, कहाँ तक आंकड़ा पहुँच सकता है एनडीए का? बस यही 350 के आसपास। ये थे कैलाश विजयवर्गीय जी, कैमरामैन अमित के साथ पंकज वानखड़े, दिल्ली बीजेपी।